हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल। कार न्यूज़ एपिसोड 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज़ और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी न्यूज़ के बारे में, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। और आपने ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज़ के साथ, जो है टोयोटा अर्बन क्रूज़र की तरफ से। टोयोटा अर्बन क्रूजर की ऑफिशियली बुकिंग स्टार्ट हो गई है। ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप लोग 11,000 रुपए देकर बुक कर सकते हैं। इस गाड़ी को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी में 6 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। वेरिएंट के नाम हो सकते हैं प्रीमियम, मिड और हाई। ये ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में ही अवेलेबल होंगे। इसमें 9 कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 6 सिंगल टोन कलर होंगे और 3 कलर आपको डुअल टोन मिल जाएंगे। टोयोटा अर्बन क्रूजर वैसे तो मारुति विटारा ब्रेजा का ही रिबैच मॉडल है, लेकिन टोयोटा ने अपना फ्लेवर देने के लिए कुछ बदलाव इसके अंदर किए हैं। इसे नया लुक दिया गया है, नए ट्विन स्लेट ग्रिल दिए गए हैं, इसके बाहरी फ्रेम को क्रोम में रखा गया है, वहीं इसके बम्पर में शार्प क्रीज दिए गए हैं। नीचे की साइड आपको फॉक्स स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी। हुंडई वेन्यू स्पोर्ट ट्रिम का नया वीडियो जारी किया गया है। इसमें कुछ खास चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया गया है। हुंडई वेन्यू के स्पोर्ट वेरिएंट में कई जगह पर रेड एक्सेंट देखने को मिलते हैं, जो इसे लुक के हिसाब से अलग बनाते हैं। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में ये रेड एक्सेंट दिया गया है, जो इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। साथ ही पीछे के हिस्से में स्पोर्ट की बैजिंग भी दी गई है। हुंडई वेन्यू स्पोर्ट को पेट्रोल और डीजल दोनों में ही अवेलेबल करवाया गया है। कीमत की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट के लिए प्राइस 10,20,000 रुपये शोरूम प्राइस शुरू होती है और डीजल वेरिएंट के लिए शोरूम प्राइस शुरू होती है 11,52,000 रुपये से। स्पोर्ट ट्रिम को SX, SX ऑप्शनल व SX प्लस में ही अवेलेबल करवाया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। MG मोटर्स इंडिया अपनी नई फुल साइज SUV MG ग्लॉस्टर को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कई बार MG ग्लॉस्टर को टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। बहुत सारी पिक्चर्स की निकल करके सामने आई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन पिक्चर्स को मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था। अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो ओके कार 24/7 इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 4 व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिल जाएगा। कंपनी ने इसके पिछले हिस्से में 4WD की बैजिंग दी है। साथ ही इसमें ADAS एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में जो MG ग्लस्टर को लेकर के जानकारी सामने आई थी, उसमें कार को 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग फीचर के साथ पेश किया जाएगा। भारत में कुछ ही लग्जरी कारों में एम्बियंट लाइटिंग का फीचर दिया जाता है। MG ग्लस्टर भारत की पहली SUV होगी जिसमें अपने सेगमेंट में इस फीचर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के चलते ये अपने सेगमेंट की अन्य कारों से अलग होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। किया सोनेट का ऑफिशियल वीडियो रिलीज कर दिया गया है, जिसमें इसको काफ़ी अग्रेसिव तरीके से पेश किया गया है। गाड़ी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ आती है। इसकी डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ। इसका फुल रिव्यू हिंदी में आपको ऊपर के आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही टोयोटा अर्बन क्रूजर और किया सोनेट का कंपैरिजन वीडियो भी देख सकते हैं। ऊपर के आई बटन और डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि इस गाड़ी में क्या खास मिलता है। इसके अलावा किया मोटर्स की ऑफिशियली बुकिंग चल रही है। ऑफिशियल साइट पर जाकर के 25,000 रुपये की अग्रिम धनराशि देकर के आप इसको बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है किया सोनेट को लेकर के पहले ही दिन इस कार की 6,325 यूनिट बुक की जा चुकी हैं। होंडा CB हॉर्नेट 200R को 27 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। होंडा ने अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 200cc बाइक का टीजर जारी किया था। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि 27 अगस्त को नई बाइक को लॉन्च करने वाली है। इस बाइक के नाम की घोषणा नहीं की, लेकिन जानकारी के अनुसार ये बाइक होंडा CB हॉर्नेट 200R है। अगर आपने टॉप सेलिंग बाइक वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि पिछले महीने यानी जुलाई में टॉप सेलिंग बाइक्स कौन कौन सी हैं। अगली अपडेट है रॉयल इनफील्ड मेटियोर को लेकर के। रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350 को लॉन्च किया जाने वाला है अगले महीने। रॉयल इनफील्ड की ये बाइक टेस्टिंग के दौरान कई बार देखी जा चुकी है, कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पिछली न्यूज़ वीडियो में भी हमने इसको कवर किया था। इस बाइक की कीमत तकरीबन 1,68,000 रुपये हो सकती है। इसके अलावा ये रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड से करीब 12,000 रुपये ज़्यादा महंगी हो सकती है। अगली अपडेट महिंद्रा थार को लेकर के। महिंद्रा थार की जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है, इसको वीडियो के माध्यम से महिंद्रा ने दिखाया है। ऑफिशियल वीडियो जारी करके उसमें बताया गया है कि महिंद्रा थार कितनी अच्छी ऑफ रोडिंग कर सकती है। महिंद्रा थार का 2 लीटर का पेट्रोल इंजन 150 BHP की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं 2.0 लीटर का डीजल इंजन 130 BHP की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगा कि जो ऑफ रोडिंग SUVs होती हैं या ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ होती हैं, जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतनी ज़्यादा अच्छी ऑफ रोडिंग उस पर हो पाएगी। ये गाड़ी 6-speed मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आएगी। ABS, रियर पार्किंग सेंसर्स वगैरह इसमें स्टैंडर्ड रूप से मिल जाएंगे।
बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। नई फोर्स गुरखा BS6 को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जाना है। इसको डीलरशिप पर पहुंचाना भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि नई वाली फोर्स गुरखा को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इससे उम्मीद लगी है कि जल्द ही ये भी लॉन्च की जा सकती है। दिवाली के टाइम में इसको भी भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले इसको ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, जिसमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। नई फोर्स गुरखा के डिज़ाइन की बात करें तो इसमें नया ग्रिल, नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ साथ आइस क्यूब जैसी डे टाइम रनिंग लाइट दिए गए हैं। इसके बम्पर में अच्छी खासी कैडलिंग दी गई है। इसके पीछे हिस्से में नए टेल लैंप, डोर माउंटेड स्पेयर व्हील और स्टेप लैडर दिया गया है। सेफ्टी के लिहाज से नई वाली फोर्स गुरखा में आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, रियर पार्किंग सेंसर जैसे सभी जो फीचर जरूरी होते हैं वो दिए गए हैं।